सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कि पुरुष बिस्तर पर देर तक टिके रहने के लिए, अपने पार्टनर के साथ देर तक एंजॉय करने के लिए वो क्या करें। जिन भी कपल्स का टाइम कम है या उनको रोमांस करने में ही प्रॉब्लम होता है, अपने फीमेल पार्टनर के जो बदन होता है, जो उनके अंग होते हैं, उसके साथ खेलने में उनको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या मतलब कि उनका वो सब चीज़ों को टच करना, सहलाना, किस करना, चुम्बन करना, उसको देखना, उसको इमेजिन करना, ऐसे करने में उनको अगर ज़्यादा चिपचिपा पानी गिरने लगता है। तो आज यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे चीज़ बताने वाले हैं कि अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो 100% की आपकी प्रॉब्लम जो है ना धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगी और अपने जो आपकी जो फीमेल पार्टनर के साथ आप अच्छे से फिर से अपने मन भर जब तक जी चाहे तब तक आप खेल सकते हो, उसके बदन के साथ, उसके अंगों के साथ खेल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप इमेजिन कर सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, उसको एहसास फील कर सकते हैं। क्योंकि जब शादीशुदा लाइफ में अगर आप इन सब चीज़ों को अगर नहीं कर पाते हो तो आपकी जो लाइफ है ना अब बहुत ही अधूरी अधूरी से लगती है, आपका प्यार पूरा नहीं हो पाता है। तो आज वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। जिन भी पुरुष भाइयों के साथ या फिर जिन भी फीमेल बहनों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, अपने जो रिलेशन के साथ खुश हैप्पी नहीं हो पा रहे, तो फीमेल है वो भी अपने मेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को छूती है, यानी कि जो उस पेनिस को छूती है, टच करती है, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बात और भी बता देते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के तौर पर बता रहे हैं, इससे आप लोगों को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई भी मकसद या उद्देश्य नहीं है। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि जब भी आप रिलेशन में जाते हो तो पॉइंट नंबर वन आपको क्या करना है कि आपको एकदम बिंदास रहना है, आपको डरना नहीं है। लेकिन उस रिलेशन में जाने से पहले आप लोग बहुत ही ज़्यादा लोग नर्वस हो जाते हैं, डरने लगते हैं। बहुत सारे कपल्स का क्या होता है कि जो मेल कपल होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है कि छूने में या टच करने में, या फिर फीमेल पार्टनर को देख रही है कि मतलब हाँ उसको पता है कि हाँ आज रिलेशन में जाना है, आज ये करना है, आज ऐसे करना है, बात करते हैं फिर भी उनका जो है मूड ख़राब हो जाता है, या फिर ऐसे में जो उनका जो है चिपचिपा पानी गिरने लगता है। तो ऐसे में भी आपको इस बात को यहाँ पे नोटिस करना है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। रिलेशन में जाने से एक घंटे पहले दोनों कपल्स को केला और दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके शरीर में एनर्जी बना रहता है, ताकत बना रहता है, जोश बना रहता है। क्योंकि जब आप वो क्रिया करते हो, जब आप शंभू करते हो, तो आपके अंदर भरपूर ताकत की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जोश की जरूरत पड़ती है। जब ये तीनों आपके शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपको करने में नर्वस फील भी नहीं होगा और आप अच्छे से एंटरटेन और मजे के साथ कर भी सकते हैं। और जो तीसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, तीसरी बात है कि साफ सफाई। जी हाँ, साफ सफाई का भी उतना ही ध्यान देना है जितनी ताकत एनर्जी का ध्यान देना है। और नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके एकदम ठाट बाट से हो, परफ्यूम लगा ली, परफ्यूम मार ली, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन आपका मूड तो ऊपर से बन गया, लेकिन नीचे के जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर जब जा रहे हो, जब वहाँ पे आपका मेन काम शुरू होता है, वहाँ से जब बदबू आने लगती है तो सारा का सारा मूड जो है ख़राब हो जाता है। इससे आपको आपके पार्टनर की तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित करेगा, इस बात को नोटिस जरूर करें। और जो चौथी पॉइंट आती है, चौथी पॉइंट ये है कि करने से जब भी आप किसिंग करते हो, जब भी आप फोर प्लेस करते हो, तो इस बात को ध्यान दें कि हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दबाजी तो करना ही नहीं, आराम आराम से। जिससे कि शरीर के जिस हिस्से पर आपके पार्टनर को ज़्यादा आर्गोज में मिलता है, ज़्यादा उसको उत्तेजना फील होता है, उसी हिस्से पे आपको ज़्यादा देर तक किस करना है। किस आपके रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सेक्सुअल लाइफ का दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीढ़ी होता है। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ के बराबर लेवल की अगर करने की क्षमता है तो आप अपने सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपने कई बार कोशिश किया, सब कुछ ओके है, फिर भी आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है, फोर प्ले करते हैं फिर भी ज़्यादा चिपचिपा पानी तो गिरता ही है। जैसे ही आप जो है काम शुरू करते हो करने के लिए, आपका तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, वजाइना में डालते ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्या करें, यहाँ पे एक उपाय है कि आप जो है कंडोम लगा के करें। जैसे कि बहुत सारे मेल एंड फीमेल मेल के द्वारा हमें बताया कि मैं जब भी मैं जैसे कि बिना कंडोम के करता था कि मेरा 2-3 या 5 मिनट के बाद जो है मेरा गिर जाता था, या 2-3 जैसे कि झटके मारने के बाद मेरा गिर जाता था। हम दोनों जो कपल्स हैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते, मेरी फीमेल पार्टनर मुझसे नाराज़ हो जाती थी, महीने दो महीने हमसे दूर रहती थी, जो है रिलेशन नहीं बनता था। लेकिन आपने सजेशन दिया कंडोम का, तो हम लोगों ने आप कंडोम लगा के कर रहे हैं, तो हमारा टाइमिंग भी बड़ा है और करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जो करने के बाद फीमेल पार्टनर के वजाइना में जो जलन या खुजली की प्रॉब्लम होती थी, अब वो नहीं हो रही है। सो गाइस, एक
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जो लोग समझते हैं वो लोग करते हैं, जो लोग नहीं समझते उनको ये बकवास लगता है ना। तो इस बात को जरूर समझें कि कंडोम सिर्फ एक कंडोम नाम ही नहीं है, आपके सेफ्टी के लिए है और आपके टाइमिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। मान लीजिए अगर आपकी फीमेल पार्टनर मुंह में लेना चाहती हो तो कैसे लेगी, आपका ज्यादा से ज्यादा चिपचिपा पानी गिर रहा है, उससे तो उसका मूड भी नहीं बनेगा लेने का, उसका मन हट जाएगा। इसीलिए अगर आप कंडोम लगा के रखोगे तो जो भी चिपचिपा पानी गिरेगा वो कंडोम में रहेगा और वो अच्छे से मुंह में भी ले सकती है। तो इसलिए कंडोम जरूरी है, कंडोम लगाती हो तो आपके फीमेल पार्टनर अगर मुंह में लेना चाहे तो मुंह में भी ले सकती है। दूसरी बात, अगर आप इसे करते हो लगाकर तो आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, जो 2 से 3 मिनट के अंदर या 2 से 3 झटके के अंदर आपका गिर जाता है वो ऐसा नहीं होगा। आपका टाइमिंग 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी बढ़ सकता है, बस आपके अंदर करने का तरीका होना चाहिए। आई होप अगर आज का छोटा सा टिप्स आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टिप्स नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें अपना एंड अपने फैमिली का ध्यान दें, बहुत बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच।